हेलो गाइस, पेटीएम कंपनी ने लॉन्च कर दिया था पेटीएम मनी। आज इस वीडियो में बता दूंगा पेटीएम मनी क्या है, पेटीएम मनी के थ्रू किस तरह से आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और आप अपना पैसा को द्विगुण कर सकते हो। सो गाइस, उसके साथ ये भी बता दूंगा आपको पेटीएम मनी को यूज करना क्यों जरूरी है, अलग वॉलेट से पेटीएम मनी क्यों अलग है, आपको पेटीएम मनी को चूज करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ये भी बता दूंगा अगर आप स्टूडेंट्स हो, अगर आपको इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा कुछ पैसा नहीं है, अगर आपको पॉकेट मनी है, पॉकेट मनी से 100 रुपीज निकाल सकते हो, 100 रुपीज को आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां से भी आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा वो भी आपको इस वीडियो में बैटरी बता दूंगा। सो गाइस, इस वीडियो को देखना है पूरा कंप्लीटली। उससे पहले गाइस आपको बता दू पॉकेट चार्ज लूट ऑफर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप घर बैठे बैठे एक एप्लीकेशन को यूज करके बहुत सा फ्री पेटीएम कैश कमा सकते हो। तो कैसे कमा सकते हो गाइस, तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक मिल जाएगा, पॉकेट चार्ज। सिंपल से उस लिंक पे क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद वहां पे रेफर कोड पूछेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में रेफर कोड भी मिल जाएगा, उस रेफर कोड को एंटर करके या फिर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, मतलब फ्री में साइन अप कर लीजिए। साइन अप करते ही आपको मिलेगा तुरंत 10 रुपीज आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे पेटीएम कैश कमाने के लिए आपके सामने बहुत सा ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो देख सकते हो, या फिर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा या फ्री पेटीएम कैश कमाने के लिए। तो आपका अर्निंग को आप बहुत ही आसानी से आपका पेटीएम अकाउंट में भी ले सकते हो। सो गाइस, पॉकेट चार्ज के बारे में मैं अलग से डेडिकेट वीडियो बना दिया था, जब एक कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको बता दिया था। तो गाइस, उस वीडियो देखने के लिए ऊपर में आई बटन में क्लिक करो एंड उस वीडियो में पूरा कंप्लीट देख लीजिए पॉकेट चार्ज ऐप क्या है, पॉकेट चार्ज ऐप से फ्री में पैसा कैसे कमा सकते हो, पॉकेट चार्ज से फ्री में पैसा कमाओ एंड उस पैसा को आप पेटीएम मनी में इन्वेस्ट करो ताकि आपका पैसा 2 से 3 गुना हो जाए। सो गाइस, इससे पहले मैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड एंड लिक्विड फंड के बारे में बहुत सारा वीडियो बना दिया था, जब मैं बता दिया था म्यूचुअल फंड क्या है, लिक्विड फंड क्या है, कैसे इन्वेस्ट करें। उसे साथ साथ आपको 2 प्रोसेस बता दिया था, एक बता दिया था फोन पे के थ्रू आप लिक्विड फंड में कैसे इन्वेस्ट करें एंड वहां से किस तरह से पैसा कमा सकते, वहां पे भी आपको बता दिया था 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। सो गाइस, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते तो ऊपर का आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को पूरा जरूर देखे। सो गाइस, फोन पे का जो वीडियो बना दिया था, उस वीडियो में बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया था, वो पे रिक्वेस्ट किया था, भाई आप फ्री चार्ज ऐप के बारे में बता दीजिए, फ्री चार्ज ऐप का लिक्विड फंड में किस तरह से इन्वेस्ट करें। सो उसके लिए अलग से वीडियो मैंने बना दिया था, वो वीडियो का लिंक भी ऊपर के आइटम में दे दिया था, वो वीडियो भी इस वीडियो देने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लेना अगर आप लिक्विड फंड या म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है। साथ में अगर आप शेयर मार्केट भी इंटरेस्ट है तो वो भी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब का जानकारी प्रॉपर से प्रॉपर मिल जाएगा। सो गाइस, इस वीडियो पूरा एंड तक देखते रहो, इस वीडियो में मैं पूरा ग्राउंड लेवल से बता दूंगा पेटीएम मनी क्या है, या फिर ज्वाइन कैसे करने, इन्वेस्टमेंट कैसे करने, सब कुछ प्रोसेस आपको लीगल बता दूंगा एंड करके भी देखा भी दूंगा। सो गाइस, आई होप वीडियो आपका पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, आपका फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। इस वीडियो में टारगेट है 100 लाइक, तो यार 100 लाइक को जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए और इस वीडियो देने के बाद आपको कुछ भी से इस वीडियो लेकर या इस चैनल लेकर तो कमेंट में जरूर बताना। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू कर लेते आज का वीडियो। मैं हूं जॉय, आप देखते रहो स्मार्ट वर्ल्ड लाइट। सो गाइस, एट फर्स्ट आपको प्ले स्टोर से पेटीएम मनी ये ऐप डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है। ये पेटीएम का ही एक दूसरा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप को कर लीजिए ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको साइन अप करना है। अगर आपका पुराना बड़ा सिंगल जो पेटीएम अकाउंट है, अगर वो अकाउंट है तो उसी का मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड देकर यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। अगर आपका पेटीएम में बिल्कुल भी अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। तो उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे नजर में आएगा।
फर्स्ट पॉइंट मिलेगा यहाँ पे म्यूचुअल फंड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मिलेगा यहाँ पे स्टॉक, और थर्ड पॉइंट एनपीएस, फोर्थ पॉइंट गोल्ड। तो यहाँ पे आप गोल्ड भी परचेस कर सकते हो, एनपीएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मीन्स शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइस आज आपको मैं बता दूंगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, पूरा की पूरा प्रोसेस आपको इस बात वीडियो में बता दूंगा। अगर दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जरूर कमेंट करके पूछना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो पेटीएम मनी द्वारा आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड सेम चॉइस अगर आप एनपी में एनपीएस में इंटरेस्ट है तो बता दीजिए कमेंट में, गोल्ड में तो ये बता दीजिए। सो गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है क्या, एक्सप्लोर फंड विद बेस्ट रिटर्न स्टार्ट एसआईपी। तो पुराना वाला वीडियो में तो बता दिया था वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट का फर्क क्या है। सो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है स्टार्ट ग्रोइंग योर वेल्थ टूडे। तो यहाँ पे एक्सप्लोर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे पूछा था आपका पैन कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे डालना है। जैसे कि आपको पता है म्यूचुअल फंड या स्टॉक शेयर मार्केट के बारे में जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करोगी तो आपको केवाईसी करना जरूरी होता है, जहाँ पे पैन कार्ड मैंडाटोरी होता है। तो सिंपल से यहाँ पे पैन कार्ड को एंटर करना है एंड वेरीफाई पैन में क्लिक करना है। सो गाइस देख सकते हो मेरा पैन कार्ड एंटर हो गया था, यहाँ पे पैन इज केवाईसी वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद आपको प्रोसेस में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से पूछा था इस पैन कार्ड को आपको कंफर्म करना है, तो ठीक है ये मेरा कंफर्म पैन कार्ड है तो इसको मैं कंफर्म में क्लिक कर दूंगा। देन गाइस आपको अगर फर्स्ट टाइम आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपको और भी फोर स्टेप्स को पूरा करना है। जैसे कि आपको पर्सनल डिटेल्स डालना है, नॉमिनी एंड डिक्लेरेशन डालना है, कम्युनिकेशन डिटेल्स डालना है, बैंक अकाउंट डालना है। तो साइड में जो ऐड का बटन है सिंपल से ऐड में क्लिक करना है। तो ये को पर्सनल डिटेल्स में आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड में है वही यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका मदर्स नेम डालना है एंड उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक करना है। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करना है, जो कैलेंडर का आइकॉन है यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं इसे फिल कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा। सो गाइस पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सेकेंड ऑप्शन में आ जाएगा, जहाँ पे आपका नॉमिनी एंड डिक्लेरेशन डालना है। तो नॉमिनी कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहते हो नॉमिनी को ऐड करना तो इस बॉक्स में टिक करना है। उसके बाद नॉमिनी का साथ आपका रिलेशन क्या है उस डालना है, उसका नाम डालना है, उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे कि मेरा अगर मैं नॉमिनी को मेरा फादर को रखता हूँ तो फादर का नाम यहाँ पे डालना है, यहाँ पे फादर का डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। बट ये मैंडेटरी नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, आप चाहो तो रख सकते हो। बट ये मैंडेटरी है जहाँ पे स्टार मार्क है, ठीक है। देखो डिक्लेरेशन ग्रोस एनुअल इनकम, आपका मंथली इनकम कितना है, सॉरी एनुअल मतलब ईयरली इनकम, एक साल में कोई इनकम कितना हो सकते है। तो मेरा हिसाब से मैं 5 to 10 lakhs काट देता हूँ, आपका से कर सकते हो। उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक करोगे, नेक्स्ट आपका थर्ड पेज में आएगा कम्युनिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी को डालना है, जहाँ पे आपका ईमेल की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा, तो मैं इसको डालता हूँ, उसके बाद सेव बटन में क्लिक कर दूंगा। सो गाइज ईमेल को एंटर कर दिया था, उसके बाद वेरीफाई ईमेल एड्रेस में आपको टैप करना है। उसके बाद ईमेल में आएगा एक ओटीपी जिसको आपको करना है वेरी यहाँ पे एंटर एंड सबमिट करना है, ठीक है। मैं वेट करता हूँ, मेरा ईमेल में एक ईमेल ओटीपी आएगा, ठीक है आ चुका है दोस्तों, देख सकते हो मेल आ चुका है। ओटीपी है 375652 डाल दिया था। उसके बाद डाल बटन में क्लिक करूंगा एंड वेरीफाई बटन में क्लिक कर दूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स वेरीफाई हो चुका है, उसके बाद सेव बटन में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद अगले स्टेप है ऐड बैंक डिटेल्स, जहाँ पे आपका बैंक का आईएफएससी कोड डालना है, मतलब जो बैंक के साथ आप लेन देन करोगी, मतलब जो बैंक के साथ आप पेटीएम में इन्वेस्ट करोगी या पेटीएम से आप मनी को विदड्रॉ करोगी, जो बैंक को लेना है तो उसी बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पे करना है एंटर। उसके बाद सेव बटन में क्लिक करना है। सो गाइस आपको सही आईएफएससी कोड डालने के बाद उस बैंक का नाम आ जाएगा, ब्रांच का नेम आ जाएगा, आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद आपका अकाउंट सेविंग या काइंड अकाउंट वो आपका सिलेक्ट करना है। तो ये मेरा अकाउंट सेविंग है बट यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद सेव बटन में क्लिक करना है।
सो गाइस देख सकते हो, मैं पूरा की पूरा डिटेल सबमिट इंटर कर दिया था, उसके बाद सेव बटन में क्लिक कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे पूछा था डिफॉल्ट बैंक अकाउंट, दिस बैंक अकाउंट विल बी लिंक टू योर इन्वेस्टमेंट एंड विल बी डिफॉल्ट अकाउंट। ठीक है, तो ओके कोई बात नहीं, मतलब ये मेरा डिफॉल्ट या प्राइमरी बैंक अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे पूरा की पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा, उसके बाद आपको प्रोसेस में क्लिक करना है। सो देख सकते हो पूरा के पूरा वेरीफाई हो चुका है एंड फिर से नेक्स्ट बटन में क्लिक करूंगा एंड वेल डन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका यहाँ पे पूरा के पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है गाइस, जब आप बैंक को लिंक कर देंगे तो IMPS प्रोसेस के द्वारा आपका बैंक अकाउंट में 1 रुपीज भेज दिया जाएगा। जैसे देख सकते हो ऊपर में मेरा 1 रुपीज क्रेडिट हो चुका है पेटीएम से। ठीक है, आपको भी यहाँ पे 1 रुपीज मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्टॉक को ओपन करने के लिए अनलॉक स्टॉक में क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी या पास कोड डालना है 4 डिजिट की, जो कि आपको क्रिएट करना है पहले बार जब आप ट्रांजेक्शन करोगे तो उस पासवर्ड को दोबारा कंफर्म करना होगा। तो मैं यहाँ पे 4 डिजिट का पास कोड मैं डाल देता हूँ। फिर से कंफर्म पासवर्ड पूछा था तो कंफर्म पासवर्ड कर दिया था। उसके बाद पास कोड भी क्रिएट हो चुका है जिसको आप MPIN भी बोल सकते हो। गाइस आपके पास इस तरह से इंटरफेस मिल जाएगा अनलॉक करने के बाद। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ, यहाँ पे देखो यू आर इन्वेस्टमेंट रेडी हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बहुत सारा तरीका होता है, जैसे कि शुरू में बता दिया था आपको पेटीएम को यूज क्यों करना चाहिए। देखो यहाँ पे NPS है, गोल्ड म्यूचुअल फंड है, फंड्स विद बेस रिटर्न है, स्टार्ट विद 100 रुपीज, स्टॉप रेटेड फंड्स, इक्विटी फंड, इन्वेस्टमेंट पैकेज, इन्वेस्टमेंट आइडिया। सो गाइस जो चीज के बारे में आपको जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट के जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा आपका प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर देना या सॉल्व कर देना। सो गाइस अभी आपको बता दूंगा 100 रुपीज से किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरा चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जो सब्सक्राइबर है जो अनएम्प्लॉय है, स्टूडेंट हो किसी, इसलिए उसको मैं चाहता हूँ उसका पॉकेट मनी को बचा के आप अगर अच्छा कुछ कर सकते हो फ्यूचर के लिए। सो गाइस अगर आप 100 रुपीज से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे इन्वेस्ट का ऑप्शन है, इन्वेस्ट में क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे ढेर सारा आपका म्यूचुअल फंड का मिल जाएगा जहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज इस तरह से है। तो बट आपको करना है 100 रुपीज, प्रोसेस सेम है बट अमाउंट में फर्क होता है। इसे डैशबोर्ड में क्लिक किया था, स्टार्ट हुई 100 रुपीज में क्लिक किया था, 100 रुपीज में क्लिक करो तो यहाँ पे जो भी कंपनी है जो मिनिमम 100 रुपीज फंड देता है वो यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डेट प्लान, निपॉन इंडिया फार्मा फंड्रेक, ICICI प्रूडेंशियल USA, ब्लू चिप इक्विटी, इस तरह से आपको बहुत सा कंपनी मिल जाएगा। आप थोड़ा यहाँ पे रिसर्च कर लीजिए कौन सा कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा है, कौन सा कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, कौन सा कंपनी का बिजनेस अच्छा चलता है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका फंड में रिटर्न कितना ज़्यादा मिलेगा। सो गाइस अगर आपको इसके बारे में और भी दिल भी जानना चाहिए किस तरह से एनालाइज करना है तो आप कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस मैं रैंडमली आपको सिखाने के लिए कोई भी एक कंपनी को चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो रिटर्न, देखो यहाँ पे साइड में दे दिया था रिटर्न आपको 26.45% मिलेगा इस कंपनी में, इस कंपनी में रिटर्न मिलेगा 21.07%, यहाँ पे मिलेगा 20%। सो गाइस यहाँ पे बता दूँ ये जो रिटर्न का जो अमाउंट है कभी भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है, फिक्स नहीं होते, ये अप्रॉक्स यहाँ पे बताते हैं। तो मान के चलो इसका इन्वेस्टमेंट रेट अच्छा है तो यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट कितना दिन करने करना चाहते हो, 1 महीने, 3 महीने, 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स मैक्सिमम। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 ईयर्स आते हैं, आप चाहो तो 1 ईयर कर सकते हो, 3 मंथ कर सकते हो, 1 मंथ कर सकते हो, 5 ईयर्स कर सकते हो, मैक्सिमम भी कर सकते हो, वो आपका मर्जी है। जैसे कि देखो ICICI इस फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है तो इसका ऊपर मुझे टैप करना है, टैप करने के बाद देख सकते हो इसका जो अलग से पोर्टफोलियो आ चुका है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे पूरा की पूरा पोर्टफोलियो आ जाएगा, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो SIP भी कर सकते हो, जो कि वीडियो का बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका परफॉर्मेंस कितना होगा, आपका रिटर्न कितना मिलेगा, अप्रोक्स आपको यहाँ पे बता दिया था। अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करोगी तो अगर आप बैंक अकाउंट में डालोगी तो कितना रिटर्न मिलेगा, अगर आप
फिक्स डिपोजिट करो तो कितना रिटर्न मिलेगा, अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो कितना रिटर्न मिलेगा, अगर आप दिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो 1,00,000 रुपया तो कितना आपका रिटर्न मिलेगा, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इन्वेस्ट, तो यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है। सो गाइस, यहाँ पे दो चॉइस मिलेगा, एक एसआईपी, एक लुमसूम। एसआईपी मींस आपको पर मंथ आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है एक फिक्स डिपोजिट, और लुमसूम मींस आप वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर वन टाइम एक बार इन्वेस्ट करोगे तो आपको 500 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। सो गाइस, अगर लुमसूम में अगर इन्वेस्ट करो तो वन टाइम के लिए आपको मिनिमम 5,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट आपको सिलेक्ट करना है एसआईपी ताकि आपको 100 रुपीज से भी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे डे ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपका शो होगा, उसके बाद जैसे कि दिस एवरी मंथ का फर्स्ट डे में आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं 100 रुपीज यहाँ पे एंटर किया था एंड यहाँ पे प्रोसेस में क्लिक किया था। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपके पास दो चॉइस है, एक UPI, एक नेट बैंकिंग। सो कोई भी एक पेमेंट मेथड को आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं फिलहाल यहाँ पे UPI को मैं सिलेक्ट करके रखा था, उसके बाद प्रोसेस पेमेंट में क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे UPI के जितने सारा पेमेंट मेथड है, जैसे कि पेटीएम UPI, फ़ोनपे UPI, फ्रीचार्ज UPI, आप जो भी आपका फ़ोन में इंस्टॉल है पहले से आपको इंस्टॉल करके रखना है, वहाँ पे अवेलेबल बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो आपको बैंक से UPI थ्रू भी काट जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन आपके पास है, फ्रीचार्ज, फ़ोनपे, पेटीएम, ये तीनों का अंदर कोई भी एक एप्लीकेशन आपको इसी डिवाइस में इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बाद उसको सिलेक्ट करना है एंड प्रोसेस टू पेमेंट में क्लिक करना है, तो वो सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा गाइस। सो गाइस, आई होप वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर बता दिया था। तो वीडियो का लेंथ बहुत ही लंबा हो गया था, इसलिए इस फंड को विड्रॉल कैसे करना है वो इस वीडियो में आपको नहीं बता पाऊंगा, तो अगले वीडियो में बता दूंगा किस तरह से मनी को आप विड्रॉल कर सकते हो। सो गाइस, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इस तरह से वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया था पेटीएम मनी के बारे में। सो गाइस, आप एक बार तो नोटिस किया था, मैं पेटीएम मनी में म्यूचुअल फंड में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, सिर्फ आपको देखा दिया था कि इस तरह से इन्वेस्ट करना है। तो इस ट्रिक को जरूर फॉलो करो, आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, और नहीं हुआ तो कमेंट में जरूर बताना। बट यहाँ पे जो रीजन है मैं क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है 100 रुपीज इन्वेस्ट करके यहाँ पे ज्यादा कुछ रिटर्न मिलता ही नहीं है। बल्कि अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करो, यहाँ पे 6% टू लेकर 8% तक रिटर्न मिलता है, बट मैं चाहता हूँ मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे 100% रिटर्न, 500% रिटर्न, 1000% तक रिटर्न भी आपको मिल सकते, वो भी पॉसिबल होते हैं स्टॉक मार्केट, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ। स्टॉक मार्केट के बारे में अलग से एक डेडिकेट वीडियो बना दिया था। सो गाइस, अगर आपका इन्वेस्ट में इंटरेस्ट है, अगर थोड़ा ज्यादा आप अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हो। शेयर मार्केट के बारे में अलग से डेडिकेट वीडियो बना दिया था, वो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ किस तरह से फ्री में डीमैट अकाउंट बना सकते हो भी एंजल ब्रोकिंग में, उसका भी वीडियो का लिंक मैं बना दिया था। सो गाइस, ऊपर का आई पर में क्लिक कर उस वीडियो देख लीजिए एंड इस चैनल पे स्टॉक मार्केट एक प्लेलिस्ट भी है, उस प्लेलिस्ट को चेक करो, जहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा शेयर मार्केट क्या है, कैसे यहाँ पे एंटर करना है, कैसे आपको फ्री में डीमैट अकाउंट बनाना है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू सो मच।